भाई मैं सोभित दाना। तो भाई आज अपने सामने जो गाड़ी खड़ी है बहुत पॉपुलर बहुत फेमस गाड़ी है अपने सेगमेंट की। तो जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी उससे पहले किया सेल्टोस की बहुत ज़्यादा सेल थी, बहुत ज़्यादा हाइप थी, पर जब से ये गाड़ी लॉन्च हुई है इसने किया की मार्केट तो बहुत ही ज़्यादा डाउन कर दी एक तरफ से कह सकते हो आप, मतलब किया की सेल्स को तो ये खाई गई पूरी तरह से। भाई एक और बात है, किया की मतलब जो मतलब खाने का रीजन भी कई सारे हैं। हाँ कि खाने का मैटर ये था कि भाई किया ना सर्विस अच्छी नहीं दे रहा था। अब गाड़ी वो भीड़ और हाइप साल हाइप मतलब हाँ बहुत अच्छी हाइप बना ली थी। तो अब हमारी जो होंडा है ना, मैं आपको चीज बताता हूँ, होंडा की जो सर्विस है और प्लस जो मतलब हम जाते हैं शोरूम में गाड़ी लेने के लिए और उनकी बात करने का तरीका थोड़ा किया वालों से काफी अच्छा है। भाई ये डीलरशिप की भी बात हो जावे अपनी अपनी, डीलर की तो बात हाँ होती है, अब डीलर ही क्या करेगा जब पीछे से गाड़ी ही नहीं आ रही। वो बात तो है। तो अभी सेगमेंट में अपनी सबकी आन बान शान मारुति सुजुकी ने अपनी ग्रैंड विटेरा लॉन्च कर दी है। अब इन फ्यूचर देखते हैं क्या विटेरा से कंपीट कर पाएगी ना कर पाने की पर नहीं है क्रेटा है, पर भाई वो भी विटेरा है और मारुति ने बहुत अच्छा काम करा है नो डाउट। ये जो मेरे पास है मैं तो उसको हाँ तारीफ करूंगा, तो भाई ये तो कंपीट कर नहीं पाएगी उसको। पर मारुति ने बहुत अच्छा काम करा है उसमें, पर इन फ्यूचर देखो क्या होता है। बाकी इस गाड़ी के ओनर हैं अपने शिवम कसाना भाई, तो क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई। और सोभित भाई क्या हाल है? बस हम भी अच्छे हैं। तो भाई का अपना चैनल है किस नाम से भाई? भाई शिवम कसाना व्लॉग्स, उस पर शॉर्ट्स डालता रहता हूँ, गाड़ी के रिव्यू भी करता रहता हूँ और शुरू से अपने पर्सनल व्लॉग भी हैं। हाँ पर्सनल व्लॉग तो शुरू में किए थे, मतलब हाँ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं। अच्छा तो भाई को जाके सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। किस नाम से चैनल? शिवम कसाना व्लॉग्स के। तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और मेंशन भी कर दूंगा। यार यहाँ ये रेल की लाइन जा रही है, रेल आती रहे, मैं बार बार ये डिस्टर्बेंस कर रही है बीच में। बिल्कुल, मतलब ये यहाँ सड़क है और सड़क के जस्ट पार करते ही रेल की लाइन दिख रही होगी। लो जूम करके दिखा दो रेल की लाइन भी, ये रही यार बिल्कुल पास में ही है। और अब जाएगी यहाँ से और भी नावे, इसे निकल जान दो जब भी बात करेंगे। और ट्रेन तो चली गई अपनी। बाकी भाई एक बात है, क्रेटा और किया में, किया में ज्यादा प्रोफेशनल लोग जा रहे हैं, जैसे 40-50 एज वाले जो लोग हैं वो ज्यादा, मैं देख रहा हूँ वो ज्यादा लेना पसंद कर रहे हैं किया को। और क्रेटा को जैसे हम जैसे यूथ ये 25-30 साल के हाँ अच्छी लग रही है वो ले रहा है भाई। देखो वो है क्रेटा है, पर यंग जनरेशन क्रेटा ज्यादा कंसीडर कर रही है, ज्यादा कर रही है। फिर एसयूवी में मतलब डिजाइन भी अच्छा निकाला, तुम पहले वाले से देखोगे इस वाली में मतलब बहुत से फ्यूचर भी बहुत ऐड करे हैं। हाँ बहुत ही मतलब यूनिक भी है। अब भी तुम जाओगे शोरूम में, अब भी तुम्हें 4-5 महीने की वेटिंग तो मिलेगी मिलेगी नॉर्मली। अभी भी जाओगे ना तो चलो काफी टाइम हो गया, नई जनरेशन आने वाली है, उसके बाद भी इसकी वेटिंग इतनी ज्यादा मिल रही है, बहुत ज्यादा है। अब मेरा एक दोस्त है साथ का, उसने ब्लैक लिया है, तो हाँ उसने ब्लैक कलर लेने के लिए एडवांस में ही मतलब ये बोलो कि जैसे गाड़ी 16 लाख की है अपनी, हाँ तो उसके ऊपर 50,000 रुपए दिए है लेने के लिए, लेने के लिए वेटिंग से बचने तो के लिए। इतना ब्लैक चल रहा है गाड़ी के ऊपर, क्रेटा के ऊपर अब भी चल रहा है, जब तो जब लॉन्च हुई थी जब पूछो मत 1-1 लाख रुपए पब्लिक दे रही थी जल्दी के लिए, भाई जल्दी मिल जाए जल्दी मिल जाए। लेकिन ऐसा कि अभी भी वो सीन चल रहा है। तो ये अपना सेकंड बेस मॉडल है अपना, ये ईएक्स मॉडल है, पेट्रोल है ये। और इसमें जो मैं अलॉय व्हील देख रहा हूँ ये वेन्यू के हैं, टॉप मॉडल के हैं, और ये 16 इंची है, 205/65 है ये। हाँ 16 इंची में ये वेन्यू, टायर भी वेन्यू के ही है? ना भाई ये सिर्फ अलॉय व्हील डलवाए हैं, और क्योंकि इसमें जो इस सेगमेंट में जो अलॉय व्हील इसमें स्टील रिम आवे हैं, हां तो फिर मैंने कंपनी से ही मतलब कंपनी से लेने के लिए ही मैंने वेन्यू के डलवा दिए टॉप, वेन्यू के डलवा दिए, फिर पेट्रोल। क्रेटा के पसंद ना आए जो क्रेटा के टॉप मारे? थोड़ा पसंद तो आए लेकिन एवरेज भी देखना था। हाँ क्योंकि पेट्रोल है पहली बात, तो डीजल हो तो चलो कोई नहीं, 18 इंच या 16 इंच मतलब कितना भी डलवा लो भाई, वो लेने वो पड़ रहे थे मुझे 50 के। 17 इंची में दिखे इसके? 17 इंची में तो 50 के समथिंग पड़ रहे थे, और ये वाले मुझे पड़ गए 36 के। 36 के एड ऑन करने के, एड ऑन करने के पेट्रोल में है ये अपनी है। पेट्रोल में भाई यार, पेट्रोल में माइलेज का तो बड़ा गंदा सीन है इसका। अब या तो माइलेज देख लो या गाड़ी देख लो, वरना तो भाई मारुति में चले ही जाओ। फिर भी एसयूवी में सिक्स तो पास हो गई है। हाँ तो एसयूवी में मैं जो ज्यादा रिकमेंड करता हूँ, मैं डीजल ज्यादा रिकमेंड करता हूँ यार, अपनी पसंद है क्योंकि मेरी इतनी रनिंग भी नहीं है। हाँ और आधे से ज्यादा लोकल में रनिंग होती है, इतनी होती नहीं है, और जब फैमिली को बाहर जाना होता तो अपनी क्रेटा ले जाते, इसलिए ज्यादा इसमें काम भी नहीं करवा रहा। अब कितनी क्या माइलेज दे रही है ये? माइलेज भाई सिटी में तो कम ही देती है, लेकिन जब
हाईवे पे जाते हैं 14-15-16 तक का लगा देते हैं। 14-15-16 टोटली कितना मान के चलो, टोटली कितना मान के चलो लगभग सिटी का और या गांव देहात का देखो गांव देहात में चला रहे तो आप ये मत सोचो कि भाई ये क्रेटा चला रहे हैं हम गांव देहात में तो तेल नहीं पिएगी, ये समझो कि अपना एक पेट्रोल पंप होना चाहिए नीचे, मतलब घूटों से पीती है। मैं कह रहा हूँ टोटली एवरेज कितना मान के चलो, 15 के बीच में लिखाड़ती है नॉर्मली इतना आ जाए तो अपना सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट जो है इसका यही वाला है। मुझे तो यही लगता है लेकिन देखो अपनी अपनी सबकी पसंद है। 13-13.5 के लगभग मोटा मोटा सा इतने का ऑन रोड पड़ रहा है, ये पड़ रहा 13.5 का कैश में। हाँ सर, तो और उसके बाद ईएमआई लगा के तो थोड़ा सा वो तो फाइनेंस का सबका अपना इंटरेस्ट रेट सबका अलग अलग है। वो तो काम क्या करवा रहे हो तुम, क्या नहीं करवा रहे हो कंपनी से, जैसे मैंने बहुत से काम कंपनी से ही करवाए इसके अंदर गाड़ी तो वो तो एक तो एलॉय व्हील हो गए और क्या करवाया इसके अंदर करवा रखा है आगे तो कुछ नहीं करवा रहे तो आफ्टर मार्केट करवा रखे सीट कवर डलवा रखे। ये आफ्टर मार्केट है सर? हाँ ये भाई वसंत कुंज में करवाए थे दिल्ली। अच्छा, और ये लगवाया था इसमें कॉम्पोनेंट है दोनों में। हाँ। JBL के आगे इसमें भी और इसमें भी। अच्छा, पीछे JBL के स्पीकर है दोनों में। तो कंपनी से ही है? नहीं नहीं ये दोनों पे कंपनी से जो मैंने कंपनी से डलवाए थे वो शायद कौन से भूल गया मैं, उसमें मजा नहीं आया फिर वो लिखवा के मैंने कंपोनेंट डलवाए दोनों में। JBL के कंपोनेंट डलवाए थे ये पड़े थे मुझे समथिंग 14,000 रुपए के। हाँ। इसमें मतलब आगे जो कंपनी सामने आगे तो साउंड ठीक आवे, साउंड अच्छा आता है पीछे नहीं आता, पीछे थोड़ा कम फील हो गया। कंपनी से जो है आगे डलवा लिए थे, अब सही आ रहा है पूरी गाड़ी में नहीं डलवाने के बाद जो आगे डलवाए थे वो मैंने पीछे डलवा लिए JBL के और आगे मैंने कंपोनेंट डलवा दिए। इनकी कितनी कॉस्ट पड़ेगी? 14,000 रुपए इनकी पड़ी थी भाई, और जो पीछे वाले थे जो मैंने सबसे आगे डलवाए थे उस टाइम पे पड़े थे कितने 9,000 रुपए के। अच्छा, पेयर पड़ा था सही है अपना। और पीछे आपको ये है भाई, ये कंपनी से मिलता नहीं, ये भी लगवाया था ट्रे। ये सारी चीज बेसिक किट जो आवे ना उसमें आवे, पर भाई एक चीज मैं बता दूं, बेसिक किट बिल्कुल कंपनी से ना लेनी चाहिए, बिल्कुल भी वर्थ ना है। 15,000-20,000 रुपए ले लें और सामान मात्र 5,000-6,000 रुपए का देते होंगे। नॉर्मल सी बात है, कंपनी बस ये कंपनी का लोगो लग गया। हाँ भाई लोगों ना वो 5,000-6,000 का सामान बाहर से ऐसी आफ्टर मार्केट डल जाएगा। हाँ तो और कंपनी से मैं करवा रहा था मुझे पड़ रहे थे 16,500 रुपए के, वही बेसिक किट में आ जाओ वो, लेकिन मुझे बाहर से थोड़े सस्ते पड़ गए और भी। और भाई असली कीमत तो जो है इस चीज की है ना भाई, ये तो एल्टो पे भी लिख जाएगा ना। नहीं ये थोड़ा सा रेफर भी करता हूँ मैं भाई, देखो जो भी है मतलब ऐसे नहीं कि जाट कह रहा हूँ, गुजरात कह रहा हूँ, मैं सभी को कह रहा हूँ भाई, पर सबको अपनी बिरादरी पे प्राउड हो गए ना ना भाई है? जैसे कि अब आप देख रहे हो कि मतलब गुजर लिखवा रखा है, मतलब चलान ये सब कुछ है। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है भाई, है तो लिखवाओ, उसमें डरना किसी, सब प्राउड है, मैं वही चीज तो कह रहा हूँ। तो कितने दिन हो गए स्वयं भाई आपको इस ऑन करते हुए? भाई 2 तारीख में 1 साल हो गए, परसों 1 साल होगा। क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव? नेगेटिव तो कुछ नहीं था, पॉजिटिव है सब इसमें। हाँ। वायरलेस एप्पल कॉल प्ले मिल रहा है आपको। हाँ। जो कि ई में नहीं मिल रहा है, ईएक्स में शायद मुझे लग रहा है वो खाली सा फेंडर, इसी वजह से तो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। हाँ। और जैसे और पावर विंडो मिल रही है सारी, सबसे अच्छी बात तो यही है आपका। हाँ। इसमें बस क्रूज कंट्रोल नहीं है, इतनी यूज तो उसका पड़ता भी नहीं है क्रूज कंट्रोल का, कि भाई तुम कहीं जा रहे हो एसएक्स से स्टार्ट हो होता तो मुझे इतना तुम्हारी पैरानोमिक सनरूफ और ये क्रूज कंट्रोल, तो अभी तक इसकी सनरूफ की कमी महसूस हुई है? ना ना ऐसा कुछ नहीं होता भाई, देखो ये है कि भाई किसको क्या अच्छा लग रहा है वो मैटर करता है। जैसे ट्रिप वगैरह मारी है कहीं की अब तक? हाँ भाई, इससे ट्रिप मैंने तो नहीं मारी, मेरे दोस्त ले गया था। हाँ। और मैंने ट्रिप ज्यादा खास नहीं मारी, पंजाब अपना ऐसी लोकल एरिया में घूमते काफी घूम रहे। हाँ। एवरेज वाइज जैसे देखा जाए सिटी में चला रहे तो ठीक नहीं है, जैसे हाईवे पे चला रहे तो ठीक है, नॉर्मल लगता है कि हाँ। अब एक अपने हक का एनवायरनमेंट ऐसा भाई, सनरूफ तो मैं कहता नहीं, अगर कोई ज्यादा ही क्रेजी इंसान है सनरूफ के लिए तो वो तो क्यों ना निकल जावे। हाँ। पर अपने हक का एनवायरनमेंट ऐसा है कि किसी मौसम में जी करने का ही ना सनरूफ खोलने का, क्यों भाई गर्मियों में टेम्परेचर पहुंच जा 45-46-47 तो उस टेम्परेचर में यार कैसे निकलोगे तुम, और सर्दियों में तो वो अपना 1, 2, 3, 4 उसमें ठंड है, अपना हीटर चला के गाड़ी बैठो आराम से। तो कहीं अगर ट्रिप पहाड़ों की ट्रिप पे जा रहे हो या कहीं लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो तो क्यों ही ना खुल जाओ कभी साल 2 साल में। हाँ। प्लस फिर उसकी केयर भी करनी पड़ती है कि अब ये है कि चलो पार्किंग में कहीं लगा तो खड़ी करके चले, कोई ईट गेट दे कुछ भी गेट दे तो रिस्की भी है, पर अपनी जरूरत के हिसाब से अगर तुम्हारा ट्रेवलिंग का है उसका ज्यादा शौक है, ज्यादा महीने 2 महीने में तुम्हारी 2-4 ट्रिप लग रही है तो अपनी जरूरत के हिसाब से लो,
ऐसा ना है कि मतलब देखा देख उड़ उड़ बिना तुम्हें यूज कुछ है नहीं, खुली है नहीं, वो एक साल बंद की बंद है और तुमने बिना मतलब उस चीज के लिए रुपए दे दिए तो वो रुपए बॉन्ड नहीं करने मेरे हिसाब से। तो कितनी चला दी है आपने भाई? 18,200 18,292। तो कोई नेगेटिव लगा अभी तक? नहीं लगा इस गाड़ी में ऐसे, मुझे कोई नेगेटिव तो अभी तक नहीं लगा, मतलब बेस्ट चलती है भाई ड्राइविंग। अब ये देख लो एक साल गाड़ी को होने वाली है बस, में उसके 19,000 भी नहीं चली है, तो इतनी रनिंग तो मेरी है नहीं। तो पेट्रोल से यार 18,000 चला दी इतनी ना जो नॉर्मली तो चलानी ही पड़ती है। तो पेट्रोल में तो मतलब जी चाहिए, डीजल में तो फिर भी बढ़िया एवरेज निकालते हैं अपना, पर पेट्रोल में तो ये है कि भाई 5 साल एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। हाँ। और इतनी रनिंग भी नहीं है तुम्हारी, अब सही है, टोर भी सही देती है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई डीजल की टोर तगड़ा देती है, ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल से देती है। सर्विस वगैरह होगी इसकी अपनी? हाँ, पहली सर्विस होगी भाई इसकी। तो क्या खर्चा आगा पहली सर्विस में? भाई पहली सर्विस में इसमें आ गया था, उससे पहले एक जो आप चेकिंग करवाने गए थे ना, वो तो रूटीन चेकअप हुआ है। रूटीन चेकिंग में मैंने इसमें काम करवाया था। हाँ। आप नीचे देखोगे ना तो उसके नीचे जो जंग वंग लग जाता है। हाँ, तो हाँ। ब्लैक पेंट होता ना, वो करवाया था टोटली। उसमें कितना खर्चा आया? उसमें उस टाइम पे आया था भाई 9,000 रुपए का। 9,000 का? हाँ जी भाई। और सर्विस में कम चार्ज लगा था मेरा, 9,000 रुपए का मैंने जब काम करवाया था इसलिए थोड़ा चार्ज लग गया था, क्योंकि 6,000-8,000 रुपए की तो वो पेंट ही पेंट हुआ था बस। अच्छा अच्छा। तो सर्विस की क्या कॉस्ट मानो? लगभग 5,500 में आपको हो जाता है। जानते हो गया तो बेस्ट है, ऐसे कहने की बात नहीं है कि भाई काम अच्छा नहीं करते, बेस्ट करते हैं सारा ही हुंडई वाले, लेकिन किसी किसी के साथ पवार है हमारे भाई हैं, जैसे उनके साथ अभी फ्रॉड कर दिया था पहले हुंडई ने। तो ऐसा होता है जीके वाइज, मतलब वो है कि डीलरशिप की बात हो जाओ, मैं बोल रहा था पहले भी। लेकिन एक चीज है कि यदि तुम किसी भी केयर मतलब कहीं भी जा रहे हो, किसी भी डीलर के पास जा रहे हो, तो तुम्हें वीडियो नहीं बनाने देते पहली बात, तो ये पता लग गया कि तुम यूट्यूबर हो। हाँ। तो सर्विस का ऐसा कुछ रोल नहीं पैदा करने देते हो अंदर, मतलब गाड़ी हैंडओवर तक वीडियो बना सकते हो, फिर उसके उसके बाद आप वीडियो नहीं बना सकते, उसके अंदर जाके या कुछ भी, उनकी जो प्राइवेट प्राइवेसी का कुछ इशू रहना है लगा रखा है, लिख रखा है, तो अंदर ना बना सकते। लेकिन देखो हर कंपनी कोई भी हो लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ करती है, हम है कुछ भी है, चलो हम सही चला रहे हैं तो हमें तो दिखाना है। बहुत से भाई आके ही बोल रहे हैं कि भाई कुछ ना करा, तेल भी मूवी ले भी पुराना ही डाल दिया, मुझे तो ऐसा लग रहा है। कुछ नहीं है, एक बात बताओ। हाँ, पर बिना वीडियो के तुम अपने सामने करवा सकते हो? करवा सकते हो। एक बात तो बताओ कि आप ना गाड़ी ले रहे हो, प्लस उसकी वारंटी भी आपके पास है 5 साल की, ठीक है, पुराना कंपनी ऑयल डाल के दे रही है, कुछ भी इश्यू आता है वारंटी तो है आपके पास। हाँ बिल्कुल, उसमें तो कोई दिक्कत आनी की नहीं। हैलोजन बल्ब आते हैं, हैलोजन आवे इसमें कंपनी से, ये एलईडी डलवाया आपने? मैंने एलईडी करवाई है पीछे, पीछे भी। हाँ, ये पीछे भी करवाई है, ये भी करवाई है, ये तो मेरा मतलब ऐसी फ्रेम हो गया था। अच्छा, अपना सनग्लास होल्डर, सनग्लास हो गया, इसमें अपना फास्टैग दूसरा, ये फास्टैग दूसरा, दो फास्टैग यूज करते हैं। हां भाई, वो थोड़ा पैसा ज्यादा है ना। तो भाई 1500 cc का इंजन आवे इसमें अपना, 113 bhp की पावर बिल्ड करती है। हाँ, और 143 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती है, डीजल में 250 Nm का मिला है अपना। हाँ, तो अंडर पावर सेम सी है, कोई इतना डिफरेंट तो है नहीं। देखो बस ये कि उसमें थोड़ा अभी देखो डीजल डीजल होता है, पेट्रोल पेट्रोल होता है, तुम्हें पता है। तो डीजल कंसीडर क्यों करी, वो पेट्रोल कंसीडर क्यों करी डीजल? मैंने बताया तो कि एक तो 5 साल फालतू मिल रही सबसे बेनिफिट है, और रनिंग है भाई ये है। अगर ये एज वाला जो मैटर कर दिया ना गवर्नमेंट ने, इससे डीजल की सेल तो डाउन ही होगी बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा ये भी है देखो, और अब आने वाले 2-3 साल में आप देखोगे कंपनी डीजल की गाड़ी बनाना ही बंद कर देंगे, मारुति ने तो बंद कर ही दी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, ना के बराबर है ही नहीं भाई। सबसे बड़ी चीज जो है ना वो है रीसेल वैल्यू पेट्रोल की, अच्छी मिल जा 2-4 साल चलाने के बाद, और वहाँ डीजल बिल्कुल खत्म ही हो जा। तो अब वीडियो एंड करते हैं इसी के साथ। ओके भाइयों, और मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो ज्यादा से ज्यादा। हाँ, तो वीडियो एंड कर दें इसमें। भाई आप हमारी ऑडियंस से क्या बोलना चाहोगे? भाई सोमित अदाना को फॉलो करो और इंस्टाग्राम पे भी, और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और शिवम कसाना को भी करो साथ में। ठीक है, तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।